ये पिक्चर कितनी अच्छी है, इसे फ्रेम कर लेना चाहिए। और यही क्यों रुकना, मुझे इंस्पिरेशन चाहिए। ठीक है, तो तुमने क्या कहा? ओह सुजन, तुम बहुत बुरी हो। समझ नहीं आ रहा। एक्सक्यूज मी, मेरा पेपर। ओह मेरी गलती है। ओप्स, देखो आपने क्या किया, अब ये खराब हो गया। हे, मैं तुम्हें कुछ दिखाऊं? कभी कुछ ऐसा देखा है जो गलती से अच्छा बन जाए? मैं? हाँ, अलग अलग साइज के भी कर सकते हैं। कमाल है, तो ठीक है, यहाँ पर कितने फिट आ जाएंगे? जितने ज्यादा तुम चाहो। बहुत मजा आ रहा है। तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस वो सर्कुलर होना चाहिए। क्या हमने कर लिया, कितना कूल लग रहा है ना, क्या बात है। मेरा प्यारा आर्टिस्ट। ठीक है, तो हम ड्राइंग के लिए तैयार हैं। रेनबो से वार्म अप करते हैं। एक रेनबो? हाँ, कुछ ज्यादा ही वार्म अप है। ओ, मैं जानती हूँ, मेरा ये बैग आखिरकार काम आ गया। देखते हैं। ओ, ओ, हे विदोगार। नहीं। ओ, गुड बॉय। मैं यही ढूंढ रही थी। जादू के लिए तैयार हो? देखो ये कलर्स एक रेनबो बनाएंगे। कुछ ब्लॉक से शुरू करते हैं। हाँ, हो गया। खैर लगभग बढ़िया, चलो इसे काम पर लगाएं। ये कितना सैटिस्फाइंग है ना, आपके पास जो भी हो उससे कुछ ऐसा बनाना बड़ी बात है। लो, थोड़ा गंदा हो गया। अब टेप को हटा देंगे, एकदम साफ और स्मूथ लाइन आ गई। खैर तीन स्मूथ लाइंस। आह, हो गया, मदद के लिए शुक्रिया। कितना इम्प्रेसिव है ना? हाँ ठीक ही है, ले आओ। हेलो, क्या सब मुझे खुद ही करना पड़ेगा? इतना सुंदर है, जाओ। मुझे यहाँ थोड़ी जगह चाहिए। दिलचस्प है। हाँ हाँ बिल्कुल, सब यहाँ देखो और सीखो। ये कलर्स के साथ कितना सुंदर लगता है ना, देखते हैं अब आगे क्या होगा। देखा, मैं भी कभी कभी काम करती हूँ। जब ये हो जाए तो हमारे पास बचती है रेनबो सैंड। इन वाइब्रेंट ह्यूज को तो देखो। तुमने तो कमाल कर दिया। ओह अभी ये पूरा नहीं हुआ, ये वो डांसिंग रेनबो गाय है, इसमें जान डाल देते हैं। है? दोनों ही दिलचस्प है, इसीलिए तुम दोनों जीतती हो। ठीक है, पहला चैलेंज ये इंसानों के खाने का है जिसे तुम पिज्जा कहते हो। मुझे पिज्जा पसंद है, ये बहुत आसान होगा। मुझे भूख लग रही है, आज मुझे अभी एक स्लाइस पिज्जा का मिल जाए। समझ गए, पैनकेक आर्ट बनाते हैं। ट्रायंगल से शुरू करेंगे, फिर उसका क्रस्ट भर देंगे। पेंट से बेहतर पैनकेक का बैटर है। मुझे पेपरोनी चाहिए। इस पिंक बैटर के थोड़े डॉट्स बनाएंगे, बहुत सारी टॉपिंग्स होंगी। लो, और अब चीज की बारी। पेपरोनी के आसपास लगा देंगे क्योंकि इसे खराब नहीं करना। जब ये पक जाएगा तो इसे पलटाएंगे आराम से। और ये हो गया, ये अच्छा है ना? ऐसे? ये तो कमाल है। क्या तुम्हारे पास पिज्जा है? क्या हो गया, तुम्हें एक स्लाइस चाहिए? पर कैसे? कितनी बुरी बदबू है, इसे कचरे में फेंक दो। मेरा पैनकेक पिज्जा अच्छा है ना? बिल्कुल शेरो,
मैं शुरू करती हूँ। 3D पेन से बहुत अच्छा बन जाएगा। पहले मैं आउटलाइन बनाऊंगी। ट्रायंगल ड्रॉ करना आसान है, ये बेस के लिए सही रहेगा। ट्रायंगल के अंदर फिल कर देंगे और अब मैं क्रस्ट बनाऊंगी। बस लाइंस के अंदर अंदर करना है। बेस पूरा हो गया। हर पिज्जा पर चीज होनी जरूरी है। वाह, मेल्टेड चीज जैसा लग रहा है। एक चीज पिज्जा, पर टॉपिंग्स भी तो चाहिए। मैं पेपरोनी भी बनाऊंगी, ये मेरा फेवरेट है। मुँह में पानी आ गया। हाँ, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अरे वाह, पूरा पिज्जा बना सकते हैं तो स्लाइस क्यों बनाना? जल रहे हो? शेरल जीत गई। हाँ, मैं जानती थी, मैं इसमें माहिर हूँ। मेरा खुद का यूनिकॉर्न, वो कितना प्यारा है, पर उसमें कलर करना चाहिए। मेरे पेन्स यही कहीं थे। ओ, अच्छा नहीं लग रहा, हर जगह इंक है, मैं इसके साथ ड्रॉ नहीं कर सकती। मॉम, क्या हुआ स्वीटी? मेरे पेन्स को देखो। ओह डार्लिंग, कोई बात नहीं, मम्मी जानती है क्या करना है। सबसे पहले हम इसे साफ करेंगे। गंदे हाथ लेकर नहीं बैठते। अब तुम्हारे बैग को। ये तो नहीं हो रहा। रुको जरा, हम तुम्हारे लिए नया बैग ले आएंगे। मुझे बस मेरा फोन चाहिए। वाह, बैग पैक्स तो बहुत महंगे हैं। सब ठीक हो जाएगा। मम्मी को बस पैसे देखने दो। आओ। मुझे पता था ये सच नहीं हो सकता। ओ, मैं अपनी प्यारी बच्ची को ऐसा नहीं देख सकती। एक मिनट रुको, शायद मैं जानती हूँ इसे ठीक कैसे किया जाए और शायद ये काम आए। इंक के निशान को छिपाने के लिए आपको कलर फेल्ट चाहिए। फेल्ट को यूनिकॉर्न पार्ट्स में काटें। हर पार्ट पर ग्लू लगाएं। फेल्ट को अच्छे से कवर करें। अब पेस को बैक पर लगा दें। हर पार्ट को ऐसे ही लगाएं, एक यूनिकॉर्न बनाते हुए और उस निशान को कवर करते हुए। आंखें कैसे भूल सकते हैं? और हर यूनिकॉर्न की सुंदर आईलैशेस होती है। ये तो जादुई है। हाय स्वीटी, तुम ठीक तो हो? कम से कम मेरे हाथों से इंक हट गई। खैर, मम्मी ने ये बनाया। वाओ, एक यूनिकॉर्न बैग, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स मॉम। कोई बात नहीं डियर, ये परफेक्ट है। ठीक है, ये जगह ठीक लगती है। हाँ, यही तो चाहिए, पेड़ और नेचर। तो शुरू करते हैं। बिल्कुल। समझ नहीं आ रहा क्या। हे, इस तरफ नजर मत डालो। जो भी हो, ठीक है तो मैं यही रहूंगा। मैं क्या पेंट करूं? सिंगल, वो कितना प्यारा है। बस डेविड उसे ना देख ले। मैंने वो पहले देखा। आहा, जो सबसे अच्छा बर्ड पेंटर होगा वही जीतेगा। बस पहले कुछ सर्कल्स बनाएंगे, हमें लाइंस का ख्याल रखना होगा। बढ़िया है ना? थोड़ा कलर करते हैं, ये उभर कर आएगा। येलो कलर अच्छा रहेगा, है ना? और ये इस पर जरूर जचेगा। और अब थोड़ा ग्रीन करें, साथ में कितना अच्छा लग रहा है। अब ब्लू कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। पहले कोनों पर कर लेते हैं, ये सही रहता है, इससे ये आसान भी हो जाएगा, है ना? बस हो ही गया, बस कुछ फिनिशिंग टचेस। और ये ऐसे किया जाता है दोस्तों, एक असली मास्टरपीस। कैसा लगा? हाँ, मुझे पसंद आया। ये क्या है? मुझे अपने हाथ की जरूरत थी और हमें बस यही इस्तेमाल करना है। खैर, बस डॉट्स और लाइंस के लिए इतना ही काफी है। आपने बर्ड का चेहरा देखा, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और अब यहाँ पर ब्रांचेस बनाएंगे। और प्यारे प्यारे छोटे पैर। थोड़ा ग्रीन कलर करेंगे, वो अच्छा लगेगा। अब दिख रहा है बर्ड। मैं कितनी क्रिएटिव हूँ ना? खैर, तुम देखना ही चाहते हो तो देखो। ओह, ये दोनों ही अच्छे लग रहे हैं।
हम टीचर से पूछें? सच में? बस वो ठीक हूँ। वो गहरी नींद में सो रहे हैं। हे! ओ, हो गया। ओ, बहुत अच्छे। अब बस मुझे 5 मिनट देना। हाँ तो ठीक है। क्या ये हमें कोई चैलेंज देंगे भी या नहीं? ओहो, ओ, गैजेट, समझे? एक गैजेट? हाँ? ठीक है, कुछ मत कहो, मैं एक लड़के को जानती हूँ। ओह, आ भी गया। वो कितना प्यारा है ना? पर कुछ चीजें बदल ली हैं। ये ठीक है, अब चलो काम पर लग जाएं। और शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। क्या जो मैं देख रही हूँ वो सच है? हाँ, ये लाजवाब है, मैं जानती हूँ। चलो अब ड्रॉ करो लिटिल गाय। पर हर आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन की जरूरत होती है, तो ये लो तुम्हारे लिए। तुम एक छोटी सी किटी बना सकते हो। हाँ बिल्कुल, ये हमेशा एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। इसे पहचाना? बस 1 मिनट दो, वो बना ही रहा है। इसकी परफेक्ट लाइंस तो देखो। ये क्या चीज है? ये नहीं चलेगा। रोबोट्स भी भला आर्ट बना सकते हैं? लगता तो है। क्या हो गया? और जरा देखो, और देखो, ये परफेक्ट है। मैं भी कर सकती हूँ, बस शेप्स ठीक बनानी है। देखते हैं, बस इसे जोड़ना है और हो गया। बस ये प्लास्टिक का पीस लगाएंगे और पिक्चर फोन पर। और पूफ, हम इसे ट्रेस कर सकते हैं। इन्वेंटिव है ना? बस दिमाग चलाने की जरूरत होती है। बस होने ही वाला है। ये कितना क्यूट लग रहा है। मुझे तो लग रहा है। क्या बकवास है। तो कौन जीता? ये तो ऑब्वियस है, नायोमी। अरे वाह, मतलब क्रिएटिव होना ही काम आता है। बकवास रोबोट, अब तुम कचरे में जाओगे, सुना तुमने? नहीं, तुम ही कचरा हो। क्या तुमने मेरे लिए कुछ बनाया? क्या ये कोई मजाक है? टेक्नोलॉजी की वजह से आज मैं हार गई। छोड़ दो, ये क्या है? आगे बाकी मेरा है। ओ, कैसी हो? मैं चाहती हूँ कि तुम हगी बागी और किसी मिसी बनाओ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास एक आइडिया है। ओ शेरल, पकड़ो। हे, ये गलत बात है। इसमें मुझे क्या? क्या ये हगी बागी है? ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आइस बनाऊंगी। ये बहुत सिंपल होगा, बस ब्लैक सर्कल जी तो बनाने हैं। अब इसका मुंह बनाएंगे, जिसे ब्लैक प्लास्टिक से भर देंगे। हाँ ये आसान था। अब इसके लिप्स बनाएंगे, बस इसके मुंह के आसपास ड्रॉ करना है। हगी वगी इतना डरावना नहीं है। अब इसके फर की बारी। इसमें थोड़ा समय लगेगा, बहुत सारा ब्लू फर। मैं इसकी आंखें बनाती हूँ। यहाँ थोड़ी लाइंस बनाएंगे बिल्कुल नीचे तक, और सब जोड़ते जाएंगे। कुछ डिटेल्स बनाते हैं। ये बिल्कुल सही है। मैं वापस आ गई। क्या तुमने बना भी लिया? मुझे जल्दी करना होगा। घबराओ मत, तुम ये कर सकती हो। पहले मुंह बनाएंगे। इससे मुझे कुछ याद आया, मुझे लिपस्टिक खरीदनी चाहिए। और अब दांतों की बारी। किसी में से कोई डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। चलो फिलहाल तो ठीक है। अब चेहरा बनाएंगे, थोड़ा मुश्किल है। आंखों में थोड़ा व्हाइट। मुझे आराम से हाथ चलाना होगा। और अब फर लगाएंगे। ये पार्ट इजी रहेगा, हमें बस इसे फिल करना है। बस होने ही वाला है। अब इसके पकने का इंतजार करना है।
अब इसे पलटाएंगे। लगता है ये तैयार है। मैंने कर दिखाया। ये कितना बुरा है शेरल। बहुत अच्छे, ऐसी विनर है। हाँ मैं जीत गई। ओह लूना, ये मत करो। हाय। ठीक है आ जाओ। मेरे पास थोड़ा होमवर्क है। ठीक है ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगी। ये अच्छा है। वाह कितनी सुंदर ड्राइंग है। ये घर है बस बन ही गया। हाँ मेरा भी हो गया। देखो लूना, तुम ये क्या कर रही हो? आओ आओ। नहीं ये मैंने नहीं किया। मेरी सारी बुक्स पर यही हो गया। सॉरी, पर ये सुंदर है। ये खराब हो गया। जरा ये देखो, अब मैं क्या करूं? रुको, ये इंक काम आएगी। थोड़ा क्रिएटिव आर्ट वर्क हो जाए। पहले नोटबुक पर एक पेपर रखें, अब एक पेन लें और पेपर पर पैटर्न्स बनाएं। वाइब्रेंट इफेक्ट देने के लिए अलग अलग कलर इस्तेमाल करें। अच्छा लग रहा है पर अभी पूरा नहीं हुआ। अब हमें एक प्लास्टिक बैग चाहिए और इसमें इंक डालें। ध्यान रहे ये गिर ना जाए। जब ये हो जाए बैग को सील करें और इसे नोटबुक पर रख दें। अब इंक को फैलाएं। एक पेल्ट लें और इससे नोटबुक का बॉर्डर बना लें। इसे नोटबुक पर लगाएं और मजे करें। जब आप बोर हो रहे हो तो टाइम पास करने के लिए ये बढ़िया है। मैं कुछ भी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। हे, कोई बात नहीं। देखो क्या ये मेरे लिए है? हाँ बिल्कुल। ओह, ये तो मजेदार है। ये देखो मैं कितनी अच्छी शेप्स बना रही हूँ। थैंक्स लूना। इस जंगल में कितने पेड़ हैं? ओह, टाइम क्या हुआ? हे भगवान, देखते हैं सब क्लास के लिए तैयार हैं। ओह, लगता तो नहीं है। ठीक है चलो शुरू करते हैं। ये रहे तुम्हारे कैंपसेस। जैसा बोर्ड पर बना है बिल्कुल वैसा सर्कल बनाओ। चलो एक एक कर कराओ और ये ले जाओ, जल्दी करो। अरे यार अब हमें क्लास में भी ये सब करना होगा। चलो जल्दी से एक एक लो और जो मैंने कहा वो करो। हे रुको, मेरे लिए तो बचा ही नहीं। हाँ ये क्या है? वो दोबारा सो गई। अब मैं क्या करूँ? बहुत बुरा हुआ पर अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सर्कल कैसे बनाऊँ? मेरे पास तो टूल्स में सिर्फ ये रूलर है। समझ नहीं आया ये काम कैसे करेगा। ये बकवास चीज तो काम ही नहीं करती। मैं इससे सर्कल नहीं बना सकता। ये क्या? जेक के पास है पर उसे पता ही नहीं वो कर क्या रहा है। बहुत गुस्सा आ रहा है। ये चीज इस्तेमाल करना कितना मुश्किल है। बकवास। वाह वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हे मैं जानती हूँ क्या करना है। पहले इसे खोलेंगे और ये देखो कर लिया। हाँ शायद हम इस रूलर के साथ कुछ कर सकते हैं। अगर मैं इसके साथ प्रेस करूँ तो? ओह नहीं ये काम नहीं किया। अगर मैं ये बिना रूलर के ही कर लूँ तो? ये भी नहीं चलेगा। चलो भी रूलर मेरी मदद करो। हाँ शायद मैं जानती हूँ क्या करना है। इस रूलर पर हर 2 इंच के बाद मार्क करेंगे बिल्कुल आखिर तक। बढ़िया, अब हर डॉट पर एक होल पंच करना है। परफेक्ट, चलो इसे ट्राई करें। रूलर को रखेंगे और बीच वाले होल में पेंसिल रखेंगे और इसे घुमाएंगे। बाजू को इस तरह रखकर इसे पूरा कर लेंगे। हो गया। और ये काम किया। हे भगवान तुमने परफेक्ट सर्कल बनाया। रुको क्या आप मेरे लिए कंपास अब लेकर आए हो? बहुत बढ़िया, कुछ हैरान कर देने वाला बनाना चाहती हूँ और मुझे पता है क्या करना है। कॉम्प्लीमेंट्री ह्यूज बनाएंगे पर अभी भी कुछ मिसिंग है। पर क्या? बॉल बहुत छोटी है। वो क्या कमाल की चीज है मॉम। ओ अभी नहीं। ठीक है आपके पास अभी पेंट बचा है तो फिर मैं इससे खेल सकता हूँ। थैंक यू। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ मैं जरा ये ट्राई करती हूँ। हे मेरी पेंट पैलेट कहाँ चली गई? डेविड वो तुमने ली? एक्सक्यूज मी, देखो मैंने ये बनाया। मैं इसे कहूंगा पॉन्ड वाटर। हाँ
वो समझ गए। तुम्हें फेस पेंट करना है, ट्राई करो डेविड। वाओ, दोबारा। मजेदार है ना? हाँ बिल्कुल है ना। अगर मैं फिंगर से करूँ तो ये देखो अब ब्लू डॉट्स आएंगे। और अब मेरा फेवरेट कलर हो गया। देखो मॉम। खैर ये तो शानदार है, पर एक और ट्रिक ट्राई करते हैं। सिमेट्री भी खूबसूरत लगती है, और ये बात प्रूव करने के लिए हम ये आपके सामने बनाएंगे। कितनी खूबसूरत बटरफ्लाई है, इस लाइन से इसमें जान आ जाएगी और विंग्स की आउटलाइन करेंगे। दूसरी साइड भी हो गया। देखो ये कितना प्यारा है, और अभी तो ये शुरुआत है बेटे। अब क्या करें? हेलो। ओह हाँ बिल्कुल, अगला राउंड है ओरिगामी का। ओरिगामी ठीक है। शुक्र है मैं हमेशा अपने साथ पेपर रखती हूँ। मजाक था, मेरे बटलर ने दिया है। मुझे पेपर ऐसे चाहिए जो कुछ काम के हो, और गोल्ड ज्यादा बेहतर है। ये देखो। वाओ, क्या ये असली है? मैं काम पर लग जाता हूँ। जी हाँ, ये इसमें डालेंगे। ये गर्म हो रहा है। वाओ, ये गोल्ड में बदल गया। पर यहाँ रुके क्यों? तुम इसमें जाओ। हे भगवान, हाँ ये जरूर काम किया, कमाल है। मिस बेरी। थैंक्स शेफ। कितनी गलत बात है, मेरे पास भी पेपर होगा। ये गोल्ड नहीं है पर चलेगा। जादू देखने के लिए तैयार हो दोस्तों? याइक्स, इस पेपर पर तो रिंकल्स हैं। अच्छा मैं जानती हूँ, पर मैं इसका कुछ कर सकती हूँ। ये ज्यादा देर तक ऐसा नहीं रहेगा। नहीं जैसा हो गया। जो भी हो, मेरे पास और भी चीजें हैं। बस इसे ध्यान से फोल्ड करेंगे और फिर देखना ये क्या बनता है। कुछ मार्क्स यहाँ बनाएंगे। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, आखिर में सब समझ आ जाएगा। अब समझ आया? ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। हो? अरे शांत भी रहो, बस कुछ लाइंस यहाँ बनानी है, और इस तरफ भी कुछ ऐसी ही। फ्लावर्स को फोल्ड करते रहें और लाइंस बनाते रहें। लो, हो गया। जैसा तुम कहो। कलर प्लीज। अब ये डांस कर सकती है। देखो हम इसे इस तरह नचा सकते हैं। मेरा तो ये पूरा नहीं हुआ। या फिर पहले इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस तरफ से नीचे तक करते जाएंगे। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन बनाएं और इस तरह बनाते जाएं। इसे बंद कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा। समझे कि ये क्या है, और इस पे हम एक बनी बनाएंगे। तो प्यारा है ना, चलो। और इसका एक बेयर फ्रेंड होना चाहिए। प्यारा है ना? अब इसमें कलर करते हैं, ब्लू और ऑरेंज साथ में अच्छा लगता है। अब हम अपने दोस्तों पर भी करेंगे। कलर करते ही इनमें जान आ गई। एक आखिरी चीज, अब पेपर को फोल्ड करें। टडा, सब हो गया। ये मुश्किल है, पर ये बैलरीना, तुम जीतती हो।
और मेरी क्यूट क्रिएशन को क्या होगा? वाओ, ये क्या था? कितना फनी था। कम से कम तुम मजे कर रही हो। किसी ने देखा नहीं। ओ, मैं चाहती हूँ कि तुम बनाना बनाओ। समझ गए? कोई परेशानी की बात नहीं है, बनानास बनाना इजी है। अब इसे बटाएंगे। ये ठीक नहीं है वो। इसे क्या हो गया है? यहाँ तो प्लग होता है ना? तुम तो गए। माफ करना, मुझे बनाना बनाना है। ये है तो आसान, पर मैं थोड़ी आर्टिस्टिक हो जाऊंगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। अब येलो कलर लेंगे और इन सेक्शंस को फिल करेंगे। मैं ये राउंड जीत ही जाऊंगी। ये कितना असली लग रहा है ना। स्किन के लिए इससे डार्क येलो लेंगे। आराम से करना है क्योंकि ये अच्छा दिखना चाहिए। मैं फिसलना नहीं चाहती। हो गया। तुम जानती हो ना ये अच्छा दिख रहा है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। कुछ हुआ है क्या? मेरे साथ इस बार मजाक मत करना, समझी? हाँ, फोकस करो। मुझे ऐसे को हराना ही होगा। आउटलाइन का काम हो गया, अब बनाना की बारी। मुझे प्रोफेशनली करना चाहिए और नाम होगा शेरल हाउस ऑफ पैनकेक्स। काफी अच्छा नाम है। रुको, मुझे ध्यान देना होगा। बस हो ही गया। वाह, मुझे ये वाला पसंद आया। ऐसी? चलो देखिए। हे, टडा! ये मुश्किल है। टाई हुआ। समझ गए। बहुत अच्छे। वाओ, उसे कुछ पता नहीं चला। ठीक है, धूप से अपने आप को बचाना होगा। इतने बबल्स काफी हैं। अब मैं अपने वाटरमेलन से खेलूंगी। ओह, कितना स्क्विशी है। मुझे ये पसंद है। हे, एक सेकंड रुको। वहाँ पर एक खाली पॉट है। मैं सॉइल में अपना वाटरमेलन डाल देती हूँ। ये देखो, अब इसके उगने का इंतजार करेंगे। हाँ, इसने तो बिल्कुल समय नहीं लिया। ठीक है, ये आइडिया एकदम कमाल का है। मैं जरूर करूँगी। ठीक है वाटरमेलन, चलो अब वाटरमेलन ट्री उगेगा। चलो तुम ये कर सकते हो। ये सनी वहाँ क्या कर रही है? खैर, वाटरमेलन, तुम बर्ड क्यों नहीं रहे? हाँ, ओह नहीं, वो तो बहुत उदास है। मुझे उसे खुश करने के लिए कुछ करना होगा। पहले इसके ऊपर पॉलीमर क्ले रखेंगे और अब ये क्ले से बनी रेड बॉल। अब हम इसे रोल करेंगे और अब हमें ये टूल चाहिए और अब हम इसे काटेंगे। बहुत ध्यान से, हमें इसे खराब नहीं करना। हाँ, अब इसके दो कट्स हो चुके हैं। अब हमें इसमें से एक स्लाइस काटना है। हमें दोबारा ये टूल चाहिए होगा क्योंकि सर्कल को बीच से काटेंगे। बढ़िया, अब हम इसे हटा देते हैं। अब एक और स्लाइस काटेंगे, एक पाई जैसा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, अब इसके ऊपर क्लियर कोट करेंगे। अच्छा है, पर इस वाटरमेलन में सीड्स नहीं है। मैं ये ब्लैक बीज लगा देती हूँ, ये अच्छा रहेगा। पर सिर्फ सीड्स ही नहीं, वाटरमेलन खुश भी होना चाहिए। लो, अब देखो कितना प्यारा लग रहा है। सनी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। वो एक वाटरमेलन नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स। बहुत क्यूट है, मुझे बहुत पसंद आए। थैंक यू। यू आर वेलकम। मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकती। हे, मैं इसकी जगह ये डालूंगी। ओ, क्या सनी, क्या इससे क्या ही होगा? मैं समझ नहीं पा रही। ये मेरी गलती नहीं है कि मैं इतनी छोटी हूँ। पेंसिल केस चाहिए। अरे यार, मैं इतनी छोटी क्यों हूँ? कहीं भी पहुँच नहीं पाती। वो देख नहीं सकते, मैं अभी पढ़ रही हूँ। ठीक है, वो रही। हाय यसी। ओह हाय, तो तुम कैसे हो? ओह वाह, तुम तो बहुत बहुत लंबे हो। हाय, कैसे हो? खैर, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? हे, थोड़ा जल्दी आओगे? चलो आओ, मैं नीचे हूँ। हाँ, मुझे मेगा फोन चाहिए होगा। हे, मुझे किस करने के लिए थोड़ा और नीचे झुको। मैं यूकेलेली सॉन्ग बजाती हूँ। कुछ काम नहीं कर रहा। एक सेकंड रुको, यहाँ पर कलर्ड पेंसिल्स हैं। ये काम आ सकता है।
मुझे फ्लिप फ्लॉप चाहिए होगा। पहले स्ट्रैप्स निकाल देंगे, अब थोड़ी हॉट ग्लू चाहिए, बस थोड़ा सा लगाएंगे, अब बस ग्लू के ऊपर पेंसिल लगा देंगे और ऐसे ही लगाते जाए। हाँ, नीचे का हिस्सा पूरा हुआ, अब ऊपर की तरफ एक बीच में लगाएंगे और एक नई स्ट्रैप लगाकर इसे घुमा देंगे। इसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म सैंडल्स। चलो पहनकर देखते हैं काम करेगा या नहीं। हाँ, अब मैं उसे किस कर सकती हूँ। रुको, ये क्या कर रहा है, ना समय हो गया। हे, उठो। खैर छोड़ो, ये सब भूल जाते हैं। हाँ, क्या? मैं जाग गया। ओ हाँ, किस? मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं भी ये करना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, मैं इस लेवल को पार कर लूंगी। मेरे लिए यहाँ जगह है। ओ, यहाँ चेयर है, मैं इसी पर बैठूंगी। फिर आखिरकार यहाँ आने में बहुत समय लग गया, पर अब सब तैयार है और अब हम शुरू करेंगे। स्ट्रेच कर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बेहतर है। रेज, मैं इसे पीछे छोड़ दूंगी और स्पीड रन टाइम मैं ही सेट करूंगी। क्या तुम मेरे ऊपर ये सब फेंकोगे? नहीं हो सकता। डाई। ओ, ये क्या है, क्या हो रहा है? अरे यार, ये तो मैंने मिस कर दिया। क्या, मेरा कीबोर्ड, इसे क्या हो गया? मेरे कीज फैल गई है, मैंने खराब कर दिया। ओ, इस W लेटर को तो देखो। खैर जो भी है, इसे हटाते हैं। मुझे इसके लिए कुछ अलग करना होगा। चलो इसमें एपॉक्सी डालें। इसे ज्यादा नहीं भरना, उससे खराब हो जाएगा। लो, सारे भर दिए, अब ये सेट होंगे। अब हम इसे निकाल सकते हैं। ओह, देखो ये कितना प्यारा है। अब इसे कीबोर्ड पर लगा देंगे, जितनी भी कीज मिसिंग है। हाँ, मेरा नया क्यूट कीबोर्ड कितना अच्छा है। अब मैं अपना स्पीड रन सेट करती हूँ। स्ट्रेच कर लूं। रेज, चलो तुम ये कर सकती हो। और तेज, और तेज। रुको, वो, मैंने कर दिया, मैंने रिकॉर्ड बना दिया और ये मेरे लकी कीबोर्ड की वजह से हुआ। हे, अरे वाह, बहुत अच्छे, तालियां।